और झंडा हाथ में लेकर चले, दिल में झंडा रहे। पार्टी हैं हम, पार्टी हैं हम, सहयोगी हैं हम, बिना शर्त समर्थन दिया है। क्या करेंगे क्या न करेंगे उस पर हमको कुछ नहीं कहना। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने झंडोत्तोलन किया और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सबसे पहले आप जीतनराम मांझी को सुनिए किस तरीके से बीजेपी पर उनका गुस्सा फूटा है और उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, इस कंट्रोवर्सी में हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम याद दिलाना चाहते हैं कि आज़ादी के दिनों में जब लोग शहीद हो रहे थे, प्रताड़ित हो रहे थे, आज जो झंडा घर घर फहराने वाले लोग थे वो कहाँ थे? ये प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, इसको याद करना चाहिए। तो जब उस समय उन लोगों ने अभिरुचि नहीं दिखलाई, आवाज़ आज़ादी का लाभ मिल रहा है, सत्ता में है, तो आज घर घर राष्ट्रीय झंडा फहराने का संकल्प ले रहे हैं। तो हम उनके नियत पर विश्वास नहीं करते हैं और उस पर संदेह व्यक्त करते हैं, लेकिन काम जो है, हर घर झंडा फहरे, हर के हाथ में झंडा आवे, ये काबिले तारीफ है और इसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो ठीक है। और झंडा हाथ में लेकर चले, दिल में झंडा रहे, और हर घर में लोग को दिमाग में है कि हाँ, आज राष्ट्रीय पर्व है। और साथ साथ कहना चाहते हैं कि समाज के ऐसे तबके लोग हैं अभी भी जिनको अगर पूछा जाएगा कि 15 अगस्त क्या है तो लोग नहीं जानते हैं, उनको जनाने की ज़रूरत है। झंडा हम फहरा, झंडा हम दे देते हैं, ये झंडा का क्या मतलब है, इसका क्या लाभ है, उनको बताना चाहिए। उनका लाभ होना चाहिए, उनके बच्चे पढ़ते, उनके बच्चे और उन्नति करते, तो बड़ों के बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े बड़े स्कूल्स हैं, लाखों लाख रुपया खर्च होते हैं। गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय भी मैसर नहीं है, अगर है भी तो किसी कारण से वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है। और गरीब का मतलब ये नहीं कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट, गरीब का मतलब है सभी जात के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ यही हस्त है। तो वैसी परिस्थिति में ये आज़ादी जो हमको मिली है, हमको आज़ादी मिली है कि हम सब समानता के साथ जीवन व्यतीत, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, लेकिन आज भेदभाव है, स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए सिर्फ बोलने और कुछ करने कहने के अलावे हमको करना भी चाहिए, और वो काम नहीं हो पा रहा है गरीबों के लिए। जैसे बाबा अंबेडकर ने एक बार कहा था कि सबों को शिक्षा दीजिए, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारे लोग सही में स्वतंत्रता की बात को याद करते और समझते कि हम वाकई में आज़ाद हैं या नहीं हैं। लेकिन आज क्या है, आज अमीर के बच्चे 25 लाख 40 लाख रुपया दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और गरीब के बच्चे आज कबड्डी खेल रहे हैं, मछली मार रहे हैं, या गाँव चला रहे हैं, या ऐसे ही अपना लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं है, स्वतंत्रता का अर्थ है कि जो झोपड़ी में भी जो लोग हैं वो भी अच्छे स्कूल में पढ़े, और अच्छे स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई की बात होती है तो हम जानते हैं बिहार सरकार ने ऐसा किया है कि 25% प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे जाएं, नामांकित हों, नामांकित होते हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बच्चों के लिए अलग सत्र चलाया जाता है, अलग से पढ़ाई होती है, वहाँ पर भी समानता नहीं है। तो जब समानता ही नहीं है तो फिर स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो इस माने में मेरा कहना है कि हम झंडा फहराते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, झंडा फहराना चाहिए सब लोगों को, लेकिन झंडा के पीछे हमारा जो उद्देश्य छिपा है उसको भी मनोयोग से उसको पूरा करना चाहिए। नहीं तो फिर 75 साल बीत गए, आगे भी 75 साल बीतेंगे तो भी शायद यही स्थिति रहेगी, जो हमारे लिए बड़ा निराशाजनक है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और हम की क्या भूमिका रहेगी बाजी? हाँ, अब देखिए ना, हमको वहाँ जाना है। मंत्रिमंडल के बारे में हम क्या कहें, मुख्यमंत्री कब है, विशेषाधिकार मुख्यमंत्री किसको मंत्री बनाते हैं, कब मंत्री बनाते हैं,
वो समझें हम नहीं। आप भी तो एक पार्टी हैं, तो आप भी अपना पार्टी हैं, हम पार्टी हैं, हम सहयोगी हैं, हम बिना शर्त समर्थन दिया है, क्या करेंगे क्या न करेंगे उस पर हमको कुछ नहीं कहना। आपका कोई डिमांड नहीं, जो मिल जाएगा? कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, जो मिलेगा वो सही है। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस पर भी हम कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं मिलेगा तो हम संगठन में हैं, उनके साथ हैं और रहेंगे। तो आपने सुना जीतनराम मांझी को साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे थे कि पहले जब साथ थे तो सब कुछ ठीक था, और अब जब साथ नहीं है तो सवाल उठा रहे हैं। एक बड़ा प्रश्न जो है वो जीतनराम मांझी उठाते हुए दिखाई दे रहे थे, बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुना रहे थे। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है और पूरे देश में जश्न का माहौल है। हम अपने तमाम दर्शकों को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। मगर जिस तरीके से बिहार की सियासत गर्म है और लगातार सियासी गलियारों में हलचल है, उन तमाम तस्वीरों से भी लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।